हेलो फ्रेंड्स, मैं शीफा, वेलकम टू फूड स्टोरीज़। आज हम बनाएंगे आलू फ्राइड राइस। ये बनाने में बहुत ही आसान है और झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अब हम राइस को फ्राई करेंगे। मैंने सबसे पहले राइस को बॉईल कर लिया है। राइस को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल लिया है 2 चम्मच। अब हम इसमें मीडियम साइज़ का आलू, जिसकी स्किन निकाल कर मैंने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है, इसे हम अब फ्राई करेंगे। आलू को पकने तक हमें फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, आलू पककर फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई, 2 हरी मिर्च जिसे बीच में से कट कर लिया है, 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, 1/4 चम्मच उसके बाद हमें इसमें डालना है 1 बड़ा साइज का प्याज जिसे चॉप कर लिया है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हमें इसमें डालना है 1 मीडियम साइज का टमाटर, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है, ला लेंगे। टमाटर भी सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे। फ्रेंच टमाटो सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे फ्रोज़न मटर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक, मिला लेंगे सारी चीज़ों को। मिलाने के बाद हम इसमें मैगी मसाला डालेंगे 1 टेबल स्पून। सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। लास्ट में हमें डालना है जो हमने आलू फ्राई कर लिए थे, वो डालेंगे, मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हमें लास्ट में जो हमने राइस बॉईल करके रखा था वो डालेंगे। मिक्स करेंगे हम चावल को। ये चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है और चावल भी अच्छे से पक गए हैं। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, आलू फ्राइड राइस खाने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।